How are you all? Good morning. This is Amit Soni from AS Mills Club, Patna. And please guys, watch this video till the end, because in this video today, I'm not gonna share any story, fictional story or any grammatical topic based on or any educational topic. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से कोई भी एजुकेशनल टॉपिक डिस्कस नहीं करने जा रहा और नहीं कोई काल्पनिक कहानी सुनाने जा रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक इंसिडेंट, एक घटना शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने झेला है, मैंने फेस किया है। तो आज इस वीडियो लेक्चर को आप प्लीज़ गौर से सुने, लास्ट तक सुने, क्योंकि इस स्टोरी से के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ जो मुझे कुछ दिनों से बहुत ही परेशान कर रही है, जैसे उस घटना को मैंने फेस किया। तो आपकी एडवाइस, आपकी सजेशन मुझे हेल्प कर सकती है, मुझे सेटिस्फेक्शन दे सकती है, मुझे रिएशंस अपने उस इंसिडेंट से रिलेवेंट जो हमने डिसीजंस लिए, हमें वो सही या गलत बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमें एडवाइस करें, सलाह दें। पिछले दिनों मैंने एक घटना देखी अपने स्ट्रीट में, अपने ही गले में, मेरे अपनी बिल्डिंग के जो है दो तीन घर पहले ही घटना घट रही थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि यीशु की कहीं दूर से कहीं बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मानो कुछ लोग झगड़ रहे हो। मैंने बालकनी से झांक करके जब देखने की कोशिश की तो देखा कि एक लेडी एक जेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है साउट कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है। कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, एंड लड़ाई इस लेवल पे थी कि एक दूसरे पे लोग हाथ उठा रहे थे, एक दूसरे को एक पत्थरों से मार रहे थे, पीट रहे थे। लेडीज लड़ते लड़ते जो है, लेडीज और जेंट्स जो है वो लड़ते लड़ते हमारे घर की तरफ आ गए, हमारे बिल्डिंग के जस्ट सामने आ गए, और उसके पीछे एक लेडीज और जेंट्स का एक काफिला पीछे से, जो दर्शक थे, आप ऑडियंस आप कह सकते हैं, वो देखते हुए आ रहे थे। क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहे थे तो वो लेडीज और जेंट्स बहुत ही तेज़ी में, बहुत ही क्रुएलिटी के साथ एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को वो ईंट पत्थरों से पीट रहे थे, हाथों का भी प्रयोग कर रहे थे, एक दूसरे का बाल को खींच रहे थे, कपड़ों को खींच रहे थे। स्टूडेंट्स और कुछ बुद्धिजीवी लोग, सीनियर सिटीजन्स भी थे, बहुत सारे जेंट्स, बहुत सारी औरतें और कुछ बच्चे भी पीछे पीछे जो है वहाँ से यहाँ तक हमारे घर तक आकर के बिल्कुल ही जो है डिस्टेंस जो है और उस चीज़ को देख रहे थे। एंड जो है डिस्टेंस किसी ने भी कोशिश नहीं करा कि उसको छुड़ाया जाए, उसको वो किया जाए। जब हमारे घर के तरफ आ गए वो लोग डिस्टेंस, तो मैं नीचे गया एंड मैंने, मेरी मम्मा भी मेरी सामने, मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी, वो भी देख रही थी। चूँकि हमारे दरवाजे के सामने ऐसा हो रहा था तो मैं नीचे गया और आओ ना देखा ना ताओ, और जाकर के उस जेंट्स को हमने पकड़ा और बड़ी ज़ोर से डांटते हुए कहा कि यहाँ से जाते हो या नहीं। तो ज़बरदस्ती छुड़ाने के बाद छोड़ने रहे थे, दूसरे को इतना ज़्यादा जकड़े हुए थे कि एक दूसरे को कपड़े को फाड़ने और खींचने में लगे हुए थे, और बहुत ही शर्मिंदगी भरी वो दृश्य था। डिस्टेंस मैं आपसे क्या बात करूँ, आप लोगों के सामने बहुत सारे लोग वहाँ भीड़ लगा करके देख रहे थे उस घटने को जो लड़ाई हो रही थी। मैं वहाँ गया और जब मैं उनको पकड़ा तो दो चार और लड़के जो लड़के थे हमारे एज के ही लड़के थे, वो कट करके हम सब लोगों ने मिल करके उनको छुड़ाया और लेडीज़ को बोला कि आप जाइए उधर, और जेंट्स को हमने दूसरे तरफ जो है जाने को कहा। लड़ाई अभी तक शांत हो चुकी थी बिल्कुल, एक दूसरे को जो है छोड़ चुके थे वो लोग। यदि वहाँ नहीं छुड़ाया जाता तो डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल द्रौपदी चीरहरण वाली व्यवस्था जो है, सीन जो है वहाँ कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली थी। क्योंकि एक दूसरे के कपड़ों को इस तरह से नोच रहे थे, क्योंकि ड्रिंक किया हुआ था वो आदमी, तो उसको होश आवाज था नहीं, अपनी पत्नी ही थी वो, बट बिल्कुल उनके कपड़ों को, साड़ी को खींच रहे थे बिल्कुल एकदम जो है डिस्टेंस। तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी। अब तो स्थिति शांत हो चुकी थी, मगर उसके बाद जो घर में मैं आया तो मुझे बहुत ही अजीब सी फील हुआ डिस्टेंस, क्योंकि मेरी मम्मी अचानक मुझे डांटना शुरू कर दी कि तुम नेता बनते हो, तुम ज़्यादा काबिल बनते हो, क्यों गया, वो अलग मैटर था, उन लोगों का पर्सनल मैटर था, तो उन लोगों का क्यों ऐसा कुछ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हुआ कि क्या मैंने गलत कर दिया ऐसा करके। तो डिस्टेंस जो है मैंने सोचा कि क्या मेरी हमारी मम्मी जो मुझे रोकना चाह रही थी, तो क्या उसने गलत किया ऐसा कह के। तो जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि इट्स नॉट अबाउट माय मामा, इट्स अबाउट मैक्सिमम पीपल ऑफ द सोसाइटी, दे आर डूइंग द सेम थिंग।
सारे लोग यही काम कर रहे हैं कि यू नो इफ समथिंग इज हैपनिंग इन अवर सोसाइटी, इफ सम पीपल आर क्वारलिंग एंड फाइटिंग आउटसाइड देयर बेसिस, देयर मैटर शुड नॉट इंटरप्ट देम एंड शुड नॉट गो इनटू इट इनटू दैट, शुड नॉट पोक योर नोज इन देयर अफेयर्स. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड वॉच, यू शुड इंजॉय, यू शुड इंजॉय. आपको इंजॉय करना चाहिए, आप देखिए, मजे लीजिए, बट यू कांट इंटरप्ट, यू कांट यू नो मेक देम कंसोल एंड पेसिफाई. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. तो डिसंस जो है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. ये जो इंसिडेंट है ये आपके लिए एग्जाम्पल है. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, डिसंस जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं अभी, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट दिस इंसिडेंट. क्या सिर्फ यहाँ ऐसा लोग सोच रहे थे कि नहीं, वी शुड नॉट इंटरप्ट, वी शुड नॉट यू नो ट्राई टू पेसिफाई देम, कि हर जगह हम ऐसा ही सोचते हैं, या आप जहाँ हैं वहाँ भी ऐसी स्थिति है? तो आई वॉन्ट टू नो, प्लीज़ कमेंट में जरूरी करके मुझे बताइए कि क्या आप जहाँ हैं वहाँ भी ऐसी स्थिति है कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो रोड पे, वो गिरा मड़ा हुआ पड़ा हुआ हो, जख्मी हो, इंजर्ड हो, तो वहाँ नहीं जाने लोग देना चाह रहे हैं. खास करके पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, डोंट गो देम, डोंट ट्राई टू यू नो इंडल्ज इन दैट ऑल. तो इज इट ओके? क्या ये सही है? दिस इज कम्प्लीटली यू नो सेल्फिश एटीट्यूड. ये कम्प्लीट चीज रियली, दिस इज यू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. दिस इज यू नो, दिस इज वाई डिसंस नो गॉड यू नो गिफ्टेड अस यू नो अ ह्यूमन लाइफ. डिसंस सच में क्या यही इंटेंशन था? यही जो है डिसंस नो पर्पस है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया. डिसंस कुत्ते भी बैठते हैं तो अपना पूछ के साथ जैसे अपनी जगह को झाड़ लेते हैं, हम इंसान हैं. आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस कि क्या ये सही है? और यदि आप इस सिचुएशन में हों, आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट लिख करके बताइए, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या मैंने उस दिन गलत किया, या ये गलती आप भी करना चाहेंगे. कि या तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि क्या आप भी ऐसी चीज़ें कभी होती है कि रोड पे या आपके मोहल्ले में कभी होती है, तो आप भी क्या देखते हैं सिर्फ ऑडियंस की तरफ? और यदि आप ऑडियंस की तरफ सिर्फ देखते हैं तो क्या आप सही करते हैं? ये सिर्फ ये गली मोहल्ले की बात नहीं हो रही डिसंस, ये हर कार्य क्षेत्र की बात हो रही है. आप जहाँ कहीं भी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही होती है जो जो आपके यू नो आप जिससे अनजान हैं, उन लोगों से अनजान हैं, वो मोहल्ला आपका नहीं है, वो जगह आपका नहीं है, मगर फिर भी यदि ऐसा कुछ हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, तो क्या वहाँ जा करके बोलना, उनको स्पेसिफाई करने की कोशिश करना, उनको कंजोल करने की कोशिश करना, उनको समझाना या उस झगड़े को ख़त्म कर देना, छुड़ा देना, क्या ये गलत है? क्या रोड पे कोई डिसंस जो उन्होंने एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, कोई इंजर्ड है, घायल है, क्योंकि वो मेरा आदमी नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूँ, तो क्या उसके पास जाकर के उसकी हेल्प करने की कोशिश करना है, क्या ये गलत है? और यदि ये गलत है तो सही क्या है? और इंसानियत किसे कहते हैं? क्या जिंदगी को यू नो इतना हम नैरो बना लें, इतना स्वार्थी बना लें? क्या इंसान इसी के लिए जाना जाता है? एंड दिस इज द वे वी कैन बी हैप्पी. क्या इसी तरह से हम जिंदगी को खुश रख सकते हैं? क्या दिस इज द वे डिसंस नाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ हैप्पी? क्या इस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस और लिविंग द लाइफ? आई वॉन्ट यू नो. एंड प्लीज गाइज, आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प. प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, गिव योर सजेशंस, आई नीड योर एडवाइस, बिकॉज रियली आई एम स्ट्रेस्ड टू थिंक अबाउट दिस ऑल डिसंस. क्या आप भी ऐसा करते हैं? और यू नो नहीं करते हैं तो क्यों? क्या आप भी जो रिलेशंस सिर्फ ऑडियंस की तरह बिहेव करते हैं, या आप भी जाकर के वहाँ कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके? क्या सही है, क्या गलत है? नहीं, सो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है. रिलेशंस पेरेंट्स की बात मान करके हम सेफ रहें, या अपने दिल की बात मान करके हम इन चीज़ों में इंटरप्ट करें, इंडल्ज हो जाए. सो आप क्या सोचते हैं? I want your opinion. Please write in the comment box. I will give reply to all of you. I will, you know, carefully with lots of responsibility. I will read all the comments. Please, जितने भी लोग इस ऑडियोज को व्यूज कर यू नो वीडियो को और ऑडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग अपनी व्यूज अपने कमेंट्स जरूर इस पर लिखें. क्या करना चाहिए जब ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई सिचुएशन आपके आसपास हो? प्लीज, लव यू, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.